चंपू लग रहे हो। हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। तो हम लोग आए हुए हैं छत पे क्योंकि दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी हल्की सी धूप चमकी है, थोड़ा सा चौंधा सा आया है। देखो इधर दिख तो रहे हैं भाई साहब। तो बहुत हल्की सी धूप निकली हुई है, तो हम लोगों को लगा कि थोड़ी सी धूप सेक लें। और आज इनकी जो ड्यूटी थी वो मॉर्निंग शिफ्ट में थी, लाइक 1:30 बजे तक थी। तो उसके बाद हालांकि भीगते भीगते गए और भीगते भीगते दो दिन से आ रहे हैं। तो सिम्बा को हम लोग छोड़ के आए नीचे। दलिया जो मैंने अभी लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था वो खा लिया है, थोड़ा थोड़ा खाया है, थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने तो अपना कर लिया डिनर। ये डिनर लंच मेरा सब इकट्ठे हो गया। इनके लिए शाम को रोटी बन जाएगी, साग रखा हुआ है। एक मैराथन है, 120 कॉपियां चेक करनी है आज मैंने। तो ये जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी आज मैंने ये वियर कर लिया और इसके अंदर डाला है, दिखाती हूँ, ये वाला स्वेटर रेड वाला, बंद कर लो। इसमें क्या नहीं है, जेब इसमें नहीं। जेब नहीं है, जेब ना होने की वजह से आप काफी कष्टप्रद हो। हाँ। इस समय है ना। और क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं आसपास, काफी सारे। क्या पता यार क्या क्या हो रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सूरज कैसे निकल रहा है। ये देखो, ये जस्ट सूरज भगवान घटा के अंदर आते हुए, जस्ट देखो सूरज भगवान जी आ गए, थोड़ा सा मुंह चमकाने। सो यू वॉन्ट टू कम एट द छत, हियर यू आर नाउ, शेयर योर फीलिंग्स। किस बात की? किसी भी तरीके की फीलिंग्स, आपके पास फीलिंग्स काफ़ी सारी हैं शेयर करने के लिए। मेरी फीलिंग्स निकलती रहती हैं, निकलती रहती हैं ना वॉक्स में, धीरे 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 वॉक्स में निकलती रहती हैं ना। वही मैं कह रहा था। तो आपको जाड़ा लग रहा है या नहीं लग रहा है? मैंने दो स्वेटर पहन रखे हैं, ये पता चल रहा है आपको देख के, जो है फ्रेम में देख करके पता चल रहा है कि आपको जाड़ा फील हो रहा है। इसे मैंने कहा ना कि फील जिसको जो, मैंने हेयर वॉश किया है तो मुझे लगा कि थोड़ी देर छत पे चल लेते हैं। हाँ। और मैं अगर तैयार दिख रही हूँ थोड़ा सा सजी धजी सी, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा सा शूट करने थे, पोस्ट वगैरह डालने के लिए। ओके, अभी देखती हूँ इस आदमी से फोटो क्लिक करवाऊंगी। एक आदमी अगर कर पाया तो कर पाया, नहीं तो भाड़ में जाओ, मेरे को क्या करना है। आप तो ये मान के चलो मैं हूँ नहीं ना, मैं तो काम कर रहा हूँ, आई एम राइट नाउ एट वर्क। हाँ वो तो ठीक है ना। तो ये है कि आपको एक एडवांटेज है, थोड़ा सा दैट यू कैन फेच मी एंड इफ आई कैन डिकोड यू देन वी कैन एग्जीक्यूट आवर वर्क, है ना। So guys, हम लोगों ने अपनी सेकेंड डोज भी लगवा ली है, वैक्सीन आज अभी करा के आ गए हम लोग। और अब इसके बाद देखो अब मोदी जी क्या कहते हैं
और लगवा लो, एक और लगवा लो, एक और लगवा लो। तो ये वैक्सीनेशन हमारा ये पेंडिंग हो रखा था क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, तो सेकेंड डोज इसकी हमारी रह गई थी। तो आज हम लोगों ने फाइनली ये भी निपटा लिया, ये वाला काम भी। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और अब मैं बना दूँ कुछ फटाफट से खाना। जोमेटो से मेरा एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, 1500 रुपए मेरे फंस भी गए। जिस रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर प्लेस किया वो कैंसिल कर दिया उसने मेरा ऑर्डर। फिर जोमेटो से मेरे पास फोन आया कि बॉस तुम्हारा ऑर्डर हो गया कैंसिल, तुम्हारा पैसा रिफंड के लिए इनिशिएट कर दिया गया। दूसरे वाले पे किया तो वो रेस्टोरेंट क्लोज हो गया। तीसरे वाले पे किया तो उसने भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और ये कह रही है मेरे को इसका सर फोड़ दूंगा मार करके। सिंबू तुमने गाजर खा लिया है ना बेटा? सब शांत रहो क्योंकि घर का खाना घर का खाना घर का खाना घर का खाना के चक्कर में है ना। तो ये मेरे मन के साथ जो है यही होता है। क्या कर रहे हो तुम? ये देखो इसको दो। ओके व्हाट डू वांट टू डू शिमी? तो अभी मैंने कहा कि भैया चलो तो फिर मिक्स पकौड़ियाँ तैयार करो चाय के साथ, और मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला। और 2 दिन डाइट भी नहीं चलेगी। और 2 दिन डाइट भी नहीं चलेगी क्योंकि नया साल आने वाला है। तो रेजोल्यूशन ये है कि कोई रेजोल्यूशन नहीं है। भाड़ तो गोभी लेके चल दिया। सिंबू क्या कर रहे हो बच्चा? गाय हो क्या? तुम्हें अभी खाना खिलाया, अभी उल्टी हो जाएगी तुम्हें। एक और गाजर चाहिए? आओ। ओवर ईटिंग कर लेता है। आओ एक और गाजर देता हूँ। कम इसको बिल्कुल सबर नहीं है, से ये नहीं पता है कि कहाँ पे रुक जाना है। छोटे गाजर लो तुम जाओ। तो वो भी कम दुष्ट नहीं है, उसने भी अपने आप को एकदम ऐसा बना रखा है कि पूछिए मत। अभी यहाँ पे गोभी रखी हुई थी, गोभी उठा लिया था। पीछे हरी मिर्च रखी रहती है वो उठा लेता है, तो चूस करके उसमें मुंह लगा देता है, उसके हाथ को छोड़ देता है क्योंकि तीखी लग जाती है। तो आज इस इंसान की वजह से मेरे को आई लाइक इट। यू लाइक इट? यू विल गेट दीज वन डे। यू विल गेट दीज वन डे। हां बाय द वे मैं आपको रिव्यू शेयर नहीं दिया था सत्यमेव जयते 2 का। हां तो मैं देना था। इट्स
काइंड ऑफ एन एवरेज मूवी, ऊपर चाय बन रही है ठीक है ना, बिलो एवरेज यहाँ भी चाय बनेगी। और आज आपने खाया बहुत ही झकास चाय बनाऊंगा, मैं चाय बनाऊंगा यस, झकास चाय बना के दिखाऊं। सो इट्स अ बिलो एवरेज मूवी फॉर मी, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द मूवी, क्योंकि पार्ट वन जो है जो पार्ट वन अच्छा था, और उसमें भी एंडिंग जो थी पार्ट वन में वो लूप थी, गिरा दी थी। ओ भाई साहब, फिर से देखो सिम्बा ने फिर से बारिश की है। सिम्बा जो है यहाँ पे जितने भी वो होते हैं डोरमैट्स होते हैं उनपे वो बारिश करता है, और मेरे ख्याल से डोरमैट्स पे ही बारिश, और सिर्फ वो डोरमैट्स पे ही बारिश करता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि जब मैं डोरमैट्स की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन से डोरमैट सॉरी बारिश की बात जो कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बारिश किसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ। शिम्बू लल्ला इधर बाहर घूमी ले जाते हैं तब तुमको शुशु नहीं आती है, इधर 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 पिट्टी कर दूंगा तुम्हारी, सुशु करने के लिए घर आता है वापस। तो बिलो एवरेज है, जॉन अब्राहम आप एक रोल में एक्सपेक्ट करोगे, फिर दो रोल में एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन उसमें उनका ट्रिपल रोल है एक तरीके से। सो लाइक मुझे पता है किस कौन सा वाला रोल इसका सबसे अच्छा लगा, वो जो उसके फादर वाला रोल जो इन्होंने किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल था। हाँ वो स्ट्रॉन्ग रोल था उनका, और वो ही सबसे मिनिमम उनको दिया भी गया है, तो वो एक पॉइंट था। बाकी शुरुआत में ही एक जगह पे मैंने एक हिंच था, मेरा एक हिंच था कि यही होगा, वो ही निकला। हिंच बोलते हैं हंच बोलते हैं जो भी बोलते हो, गेस आप उसको सिंपल लैंग्वेज में रखिए। एक मेरा गेस था कि ये मेन विलन होगा, तो वही मेन विलन भी निकले लास्ट में। सो ऑल इन ऑल इट्स अ 5 out of 10 काइंड ऑफ मूवी, ठीक है 5 स्टार मिलेंगे इन्हें 10 में। और मैं अगर आपको झुका हुआ दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सिम्बू के कान पकड़ रखे हैं, वो मेरे को काट रहा है नीचे, ठीक है। सो इट्स अ 1 time वॉच, दोज हु लाइक जॉन अब्राहम मान जा लल्ला डंडा लाया हूँ, डंडा। तो सिम्बू हमारा डंडे के नाम से डरता है थोड़ा सा, ले यही ले ले ये काट जा, तो उसको डंडा दे देते हैं, तो डंडा मुंह में दबा करके वो खेलता रहता है पूरे घर में, और वो सोचता है कि वो हमें उस डंडे से मारेगा। आपको जितनी भी आवाजें आ रही है वो डंडा, वो एक्चुअली बड़ा सा डंडा है, वो मुंह में लेके उसको मैं आपको दिखा सकूं तो दिखा दूं, ये है प्रेजेंट कंडीशन। उसको लगता है कि वो हमें इस डंडे से मारेगा, ये उसका सोचना है ऐसा, ठीक है। तो अब फोकस जो है अब इन पे चला जाएगा, क्योंकि अब ये बना रही हैं। क्या बना रहे हो? मिक्स पकौड़े। मिक्स पकौड़े, ओके, लाइक गोभी की और जो मोटी वाली मिर्ची होती है हरी वाली उसका, प्याज, ओके, धनिया, हरी मिर्ची, ओके, मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो ये सारी चीजें लेके, जैसे दो आलू, दो प्याज, थोड़ी सी गोभी, ये सब, ये मिक्स वाली। वैसे वो जो चाय का मसाला, क्योंकि मैंने शाम को नहीं दोपहर में बनाए थे आज दाल राइस, जैसा कि मैंने दिखाया भी था, तो बहुत अच्छे से खा लिया था वो, तो मुझे लगा कि शाम को ये रोटी खा लेंगे उसके साथ। कितने लोगों को ये पसंद है? मुझे लगा शाम को ये रोटी खा लेंगे उसके साथ तो रोटी बना दूंगी, पर इन्होंने कहा कि इनको रोटी नहीं चाहिए, इनको कुछ चटपटा खाने का। मैंने कहा मैं बना दूं चटपटा, जो भी बोलो बेटा, अगर कल कहीं नहीं गए ना तो कह रहे समोसा चलेंगे वड़ा पाव खाने, तो कह रहे हैं कि नहीं मेरा कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा मत खाओ बाहर का, मैं घर पे ही बना देती हूँ जो भी बोलो। नहीं मिला, नजर लगा दी इसने, नजर लगा दी नजर। और आज हम लोग फाइनली फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए हैं, दोनों डोज हमारी आज कंप्लीट हो गई हैं दोनों। इसी हाथ में लगो। बाय द वे जर्सी कब रिलीज हो रही है? पता नहीं यार, मुझे तो पता था, इंस्टा पे देखा था 31 को, तुम बता रहे हो कि शायद कल नहीं होगी। एडवांस बुकिंग में आ नहीं रहा तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, तो अब अपन लोग जो है खान पीन पे जाएंगे, मतलब
मैं क्या ही बताऊं, आप मेरा दुख और दुखड़ा समझ ही सकते हो, ठीक है? आप मेरा दुखड़ा समझो, मेरा दुखड़ा बहुत ज्यादा दुखड़े वाला है। मैं जरा सही एंगल पे आ जाऊं, हाँ ये सही है, ये जरूरी है, क्योंकि ये फिर नहीं तो बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो आपसे मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सर्दियों में बच करके रहें, ओमिक्रॉन के बारे में न्यूज कम देखें, बस अपने घर पे बना के खाते और घर पे बना के खाते रहें। स्ट्रीट फूड खाना है तो भी खाइएगा, लेकिन संभल करके खाइएगा। नो इनकी तरफ से तो नो है, मेरी तरफ से हाँ है। आप खाना चाहो तो खा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को भाई समोसे खाने को मिल जाते हैं तो मैं समोसे खा लेता हूँ, ठीक है ना। सिम्बा वहाँ पर नीचे बैठा हुआ है कि उसको लग रहा है कि उसके लिए कुछ बनेगा, उसके लिए कुछ बनना नहीं है, बट वो उसको मिल ही जाना है, क्योंकि वो हमारी थाली में जो है मुंह मारता रहता है। और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लोग की मेहनत आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते रहिए और चैनल पर आते रहिए।